हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने मनाया बूथ कमलोत्सव, बूथों पर जाकर फहराया तिरंगा एवं वृक्षारोपण भी किया। भाजपा अपने वृहद परिवार के साथ राष्ट्रोत्थान का कार्य कर रही है। वासुदेव देवनानी। नंदगांव में चल रहे प्रदेश स्तरीय विस्तार प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी भाजपा नेताओं का आवागमन लगा रहा। पहले दिन जहां शाम को प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा नंदगांव पहुंचे, वहीं दूसरे दिन पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सहित प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच, हेमराज मीणा भी नंदगांव पहुंचे। दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रथम सत्र के मिथिलेश गौतम द्वारा व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार रखे गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने का एकमात्र तरीका है, वो है व्यक्तित्व निर्माण। जब देश के सभी नागरिक अपने नैतिक कर्तव्यों की बात करेंगे और राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करेंगे, उस समय राष्ट्र का विकास स्वतः हो जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता के प्रति आमजन मानस में विश्वास और श्रद्धा का भाव है, जिसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरे सत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच ने बूथ प्रबंधन पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मुकेश दादिच ने अपने संबोधन में बताया कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है, जो केवल संगठनात्मक संरचना और व्यवस्था के कारण है। आज संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम बूथ स्तर तक पहुँच रहे हैं। बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ समिति का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारी पहुंच प्रत्येक बूथ पर हो व बूथ मजबूती के साथ संगठन के कार्यों को पूरा करें। उन्होंने बूथों को चार श्रेणी में विभाजित करते हुए बताया कि डी श्रेणी के बूथ को सी तथा सी श्रेणी के बूथ को बी, बी को ए और ए श्रेणी को और मजबूत प्रदान करने का कार्य किया गया है। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कार्यकर्ता को भाजपा परिवार से परिचय करवाया, जिसमें उन्होंने विभिन्न संगठनों से अपने वैचारिक संबंधों का वर्णन किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सही शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक मजदूर, किसान के लिए बने विभिन्न संगठनों से अपने वैचारिक संबंधों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का सफर केवल राजनीति करने के उद्देश्य पर आधारित नहीं है। भाजपा संपूर्ण राष्ट्र के साथ मानव धर्म कल्याण की बात करने वाला संगठन है। इस संगठन में विभिन्न क्षेत्र में सेवारत संगठन जुड़े हुए हैं। विभिन्न सत्रों के पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त करने आए विस्तारकों को जालौर सिरोही विधानसभा के कई बूथों पर जाकर कार्यक्रम के आयोजन का अभ्यास करवाया गया, जिसमें उनके द्वारा बूथ समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बूथ कार्य समिति का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के सफल आयोजन हेतु विस्तारकों द्वारा बूथों पर तिरंगा फहराकर आमजन को अभियान से जुड़कर अधिकाधिक संख्या में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया गया। बूथ कार्य समिति में बूथ में निवासरत आमजन का विवरण एवं बूथ की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच, माधुराम चौधरी, नारायण सिंह देवल, हेमराज मीणा प्रदेश महामंत्री एवं जोधपुर संभाग प्रभारी भजनलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया, प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश संयोजक राजेश गुर्जर, जालौर जिला संगठन प्रभारी मंत्री महेंद्र बोरा, जालौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोराली, सिरोही जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, रेवदर विधायक जगसी राम कोहली, पिंडवाड़ा अबू विधायक समाराम गोरसिया, सांचौर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, सांचौर विधायक प्रत्याशी दानाराम चौधरी सहित कई भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से प्रभत सिंह राव की रिपोर्ट।